नमस्कार साथियों, नर्वस सिस्टम के इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। हमने चर्चा की थी पहले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एक अपना हो गया ब्रेन और एक अपना हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन के बारे में डिस्कस करना शुरुआत की थी। और ब्रेन के हम जानते हैं, प्रीवियसली हम पढ़ भी चुके हैं कि ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ब्रेन को तीन मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। एक पार्ट आपका होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। सो बेसिकली थ्री पार्ट्स हुए ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो प्रीवियसली अब आप देखोगे, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ हमने ऑलरेडी फोर ब्रेन को और मिड ब्रेन को हम पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके पॉइंट्स जो हैं, उसके जो फैक्ट्स जो हैं, उसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं, उनकी एनाटॉमिकल पोजिशंस, उनकी फंक्शंस क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो मूव कर रहे हैं आगे, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पहुँचे हैं थर्ड पार्ट पर जिसका नाम है हिंड ब्रेन। ठीक है, हमने फोर ब्रेन पढ़ा था, फोर ब्रेन को हमने डायनसेफेलो नाम दिया था, एक दूसरा सिनोनिम होता है उसका। हमने मिड ब्रेन पढ़ा, मिड ब्रेन में हमने नाम दिया मेसेनसेफेलो। ठीक उसी प्रकार से जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलोन। ये जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज रोम्बेनसेफेलोन, ये कुछ भी नहीं है, बस इसका एक दूसरा नाम है। ठीक है, ये एक उसका सिनोनिम है बस, कि इसको हम रोम्बेनसेफेलोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम जानते हैं। एक बार आप इस डायग्राम पे नजर डालिएगा, ये देखिए, हमने इसको डिस्कस किया था कि ये पूरा सेरिब्रम का पार्ट था। सेरिब्रम हमने डिस्कस किया था, ये वाला थैलेमस था, ये वाला हाइपोथैलेमस था, ये जो पूरा पोर्शन था वो सारा फोरब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है ये वाली, ये मैंने मिड ब्रेन इसको नाम दिया था, दैट इज मिड ब्रेन। एमबी, मैं एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूं, दैट इज एमबी स्टैंड्स फॉर द मिड ब्रेन। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पूरे की चर्चा करेंगे, इस वाले पोर्शन की। ठीक है, मैंने इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। देखो, आपको बेसिकली हम देखें तो आपको तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ नजर आएंगी। नंबर वन आपको ये आएगा, नंबर टू ये आएगा, नंबर थ्री आपको ये आएगा। डायग्रामेटिकली पोजिशंस क्लियर हुई आपकी? ये तीन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे और इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली, देखो यहां देखिए, इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसका मतलब हिंड ब्रेन की जो तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। सेरिबेलम है, पॉन्स वेरोली, एक है मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, तीन पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो हिंड ब्रेन जो है उसको रोम्बेनसेफेलोन नाम से जानते हैं, ये हमने पढ़ा। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पॉन्स वेरोली, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीन मेन स्ट्रक्चर्स जो है हमने वो डिस्कस की यहाँ। ठीक है, अब वन बाय वन अब इनको हम इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ होते हैं, इनमें कौन सी मेन स्ट्रक्चर्स होती है, क्या इनकी एनाटॉमिकल पोजिशंस है और क्या इनके एक विशेष फंक्शन है। ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप जानते हो, और पूरी बॉडी को ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, पूरी बॉडी को एक साथ लेकर के चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे शरीर में हो रही है, सबको कंट्रोल एक साथ कर रहा है, क्या ब्रेन, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूं कहें। तो वन बाय वन इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं आज, कि ये कौन कौन से पोर्शन हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये वाली पूरी दो नंबर मैंने जो ड्रॉ की है वो है आपकी सेरिबेलम। ये वाला जो है पोर्शन, देखो ये वाला, ये क्या है, पॉन्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली। ठीक है, इस वाली स्ट्रक्चर के मैं थोड़ा इसको अलग से कर देता हूं। देखो ये, तो ये वाली जो हुई वो तो क्या हुई, सेरिबेलम। यहां से यहां तक जो रेड कलर से जो ड्रॉ की हुई है वो क्या हुई आपकी, पॉन्स। और ये वाला जो नीचे की तरफ पोर्शन है, ये आपका होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे किसमें, हिंड ब्रेन के अंडर हम तीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज किसके बारे में, सेरिबेलम के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है, उसकी क्या कौन कौन से मेन जो है वो उसके फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सेरिबेलम के बारे में हम जानते हैं, सेरिबेलम क्या है, ये
यहाँ आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये सेरिबेलम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख रहे हो कि सेरिबेलम के सामने हम बात करें तो हमें पॉन्स नजर आ रहा है, ये वाला पॉन्स है। नीचे जो ब्लैक वाला है ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा पॉन्स के नीचे है, इसके ऊपर क्या है ये मिड ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर क्या है ये मिड ब्रेन। सो सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेरिबेलम एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन, ठीक है, उसका मतलब छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन। तो ये लिटिल ब्रेन हो गया। सो सेरिबेलम का मीनिंग आपने देखा, आपने सेरिबेलम के मीनिंग समझा, क्या है सेरिबेलम की मीनिंग कि लिटिल ब्रेन। जो सेरिबेलम जो शब्द है वो एक्चुअल में एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो उससे क्या हुआ कि लैटिन भाषा में एक छोटे दिमाग को, लिटिल ब्रेन को हमने नाम दिया था उसको सेरिबेलम, तो वहां से हमने इस वर्ड को पिक किया है। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ साइंटिफिक वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, वी ऑलरेडी न्यू दैट। सो इसके बाद भी थोड़े फंक्शन जान लेते हैं। देखिए हम बेसिक हमें पढ़ना है इसमें। आप जब आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, अगर आप MBBS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप न्यूरो साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ आपको बेसिक आपको जानना है कि एक्चुअल में बेसिक काम क्या होता है उसका, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन, आपको फंक्शन दिया जाए, उससे आप पूछा कि कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो आपके बारे में आपको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके बाद में आप देखिए क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला काम देखिए मेंटेन बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस बन रहा है, ठीक है, कि हम गिरते नहीं, हम अपनी बॉडी को स्थायी रूप से रखते हैं, कि बैलेंस बना करके रखते हैं। संतुलन हमारी बॉडी का बनता है, वो कैसे बनता है, किसकी वजह से बनता है, उसका मेन काम जो किसका है वो है आपका सेरिबेलम का, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट मूवमेंट, मूवमेंट करना, ठीक है, स्केलेटल मसल से हम मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट दैट मींस कि हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हम चाल चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, कोई भी गतिशील अवस्था हम अपना रहे हैं, तो वो उसमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, एक बैलेंस भी बना रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है। दूसरे विजन, देखने में इसका क्या रोल है, आंखों के फंक्शन में देखना काम किसका होता है, कौन से सेंसरी ऑर्गन काम में, हम पढ़ चुके हैं आई के बारे में, तो देखने वाला काम आईज परफॉर्म करती हैं, तो इसका काम क्या है, हम आई की मूवमेंट करते हैं, अगर हमें यहां देखना है तो मेरी निगाह यहां घूम जाएगी, मुझे यहां देखना है तो मैं यहां घूमूंगा, ठीक है, ऊपर कुछ देखनी मैं ऊपर देखूंगा, तो आईज देखो आईज की मूवमेंट हो रही है, हम बिना सर को हिलाए डुलाए, ठीक है, इस तरीके से हमने यूं देखा, उसके बाद मैं ऐसे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, तो जो आईज की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, आई की मूवमेंट चारों तरफ आईज की जो मूवमेंट हो रही है, तो वो जो मूवमेंट हो रही है उसकी में भी, उस फंक्शन में भी कौन काम कर रहा है, सेरिबेलम काम कर रहा है। उसके बाद में एक खास फंक्शन और जान लीजिए, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग ये कोई वो मोटर लर्निंग नहीं जो आप समझ रहे हैं, मोटर लर्निंग दैट मींस मूवमेंट के रिगार्डिंग बात हो रही है, मतलब कि मोटर लर्निंग में आप समझेंगे कि ऐसी कोई चीज सीखना, कोई ऐसी मूवमेंट सीखना जिसकी हमें खास प्रैक्टिस करनी पड़े, ठीक है, हमें अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करके किसी खास चीज पर ध्यान दे करके हमें उस मूवमेंट को सीखना है, जैसे कि हम बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं हम, तो उसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसमें, ऐसे थोड़ी नहीं कि हम सामने कॉपी रखी है, किताब रखी है, किताबों में से देख करके हम साइकिल चलाना सीखे, नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर दैट। साइकिल हुई, बाइसाइकिल हुई, कुछ भी चीजें जो है, मोटरसाइकिल हुई, साइकिल बाइसाइकिल तो कराई की है, तो उसमें जो है जैसे कि राइडिंग बाइसाइकिल में लिखा है, तो ये सभी जो काम है वो किसके काम है, सेरिबेलम के हैं। ये बात क्लियर हुई आपको, ये सारे काम जो है वो किसके हैं, सेरिबेलम इन सभी काम को परफॉर्म कर रहा है। कहाँ है सेरिबेलम, ये वाला पार्ट जो है सेरिबेलम, ये वाला पोर्शन, बात समझ आ गई। सेरिबेलम के बाद में सेरिबेलम वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, आगे मूव करते हैं अगले पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था, पॉन्स वेरोली, अब हम पढ़ेंगे पॉन्स वेरोली के बारे में, ठीक है। देखिए सेरिबेलम कंप्लीट किया, सेरिबेलम के बाद में सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पॉन्स वेरोली। नाम थोड़े मान सकता हूं कि थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनको बार बार रीड करोगे, प्रैक्टिस में जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये नाम आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे नाम याद करने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए, याद करने पड़ेंगे। आगे बहुत सारे साइंटिफिक नेम ऐसे आएंगे, बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम्स वगैरह पढ़ोगे बॉटनी जूलॉजी में, तो वहां पर आपको ऐसी आदत डल जाएगी ऑटोमेटिकली।
ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्कस करते हैं पॉन्स वेरोली। व्हाट इज पॉन्स वेरोली? पॉन्स वेरोली इज द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड पोर्शन ऑफ द हिंडब्रेन। हिंडब्रेन का दूसरा नाम रोमन सेफेलॉन। प्रैक्टिस करते रहिए इनको याद, बार बार करते रहिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज नॉट ए बिग डील। सो पॉन्स वेरोली के बारे में डिस्कस करें। हिंडब्रेन का दूसरा पोर्शन होता है पॉन्स वेरोली। तो देखो ये आपको पूरा पोर्शन नजर आ रहा है, ये यहां से, ये पूरा जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो मैं ड्रॉ कर दिया मैंने यहां इस लाइन के ऊपर वाला नजर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर वाला, ठीक है, या यूं कहें कि इस ब्लू वाली स्ट्रक्चर से ऊपर वाला, इस स्ट्रक्चर से ऊपर वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है आपका वो है फोर ब्रेन का, ठीक है। अब पॉन्स वेरोली के बारे में बात करते हैं। ये फोर ब्रेन, ये वाला मिड ब्रेन, नीचे ये पूरा पोर्शन हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली, क्या है ये, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली, मेडुला ओब्लोंगेटा, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर जा रही है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, बाद में पढ़ेंगे इसको। तो अब देखिए पॉन्स वेरोली, थोड़ा नाम है अजीब सा नाम है थोड़ा, ये वेरोली नाम कहां से आया, पॉन्स वेरोली नाम क्यों लिया? इटली के एक एनाटॉमिस्ट थे, एनाटॉमिस्ट दैट मींस जो बॉडी की अंदर की जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर की डीप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं उनको हम एनाटॉमिस्ट बोलते हैं। और जिस ब्रांच में, ठीक है, लाइफ साइंस की जिस ब्रांच में बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की, इंटरनल चीजों की स्टडी की जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है, दैट इज द एनाटॉमी। आप उस चीज से फेमिलियर हो, कोई नई बात नहीं है। तो इटली के एक एनाटॉमिस्ट थे, एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, उनका नाम था सी वेरोलियो। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया और अपने नाम पर नाम रख दिया पॉन्स वेरोली। एक बात क्लियर हुई, इटली के थे, सी वेरोलियो, ये नाम की बात हुई। दूसरी बात करते हैं कि लोकेशन कहां, ये होती कहां है ब्रेन में, इसके आसपास की स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, ठीक है। जैसे आइडिया होता है कि हम नॉर्मली पूछें कि भाई गुरुग्राम कहां है, तो हम अंदर लगेंगे भाई एनसीआर में है, दैट मीन्स दिल्ली के पास में है, उसके साइड में फरीदाबाद है, साइड में नोएडा है, ऊपर दिल्ली है, तो ऐसे बात करते हैं। ऐसी बॉडी की स्ट्रक्चर्स की भी हमें सिचुएशन पता होना चाहिए कि वो सिचुएटेड कहां पे है, लोकेशन कहां है उसकी। तो लोकेटेड, देखो वो लिखा हुआ है लोकेटेड बिटवीन एमबी, एमबी स्टैंड फॉर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लोंगेटा के बीच में, कहां कहां बोला, मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लोंगेटा के बीच में। कैसे, सपोज करो ये है, इस मेरे नीचे वाले हाथ को आप मानो मेडुला ओब्लोंगेटा, ऊपर वाला हाथ क्या है, मिड ब्रेन। जो ये डब्बा आपको नजर आ रहा है छोटा सा, इसको हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे इसको पॉन्स वेरोली, ठीक है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी समझिए, ऊपर क्या है, मिड ब्रेन, नीचे ये जो बना हुआ डॉट से स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, इसका नाम है पॉन्स वेरोली, दैट इज पॉन्स वेरोली। नीचे मेडुला ओब्लोंगेटा बना हुआ है, ऊपर मिड ब्रेन है, इन दोनों के बीच में है, लिखा हुआ है लोकेटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, ऊपर मिड ब्रेन है, दोनों के बीच में है पॉन्स वेरोली। और लिखा है इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, और सेरिबेलम के जस्ट सामने, नजर आ रहा है सामने बिल्कुल यहाँ, जैसे ये सेरिबेलम, इसके सामने है, देखो ये क्या है पॉन्स वेरोली, और ये नीचे क्या है मेडुला ओब्लोंगेटा, ऊपर क्या है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लोंगेटा के बीच में ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपकी पॉन्स वेरोली। लोकेशन क्लियर हो गई होगी आपको आसानी से, कौन सा पार्ट कहाँ है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। लोकेशन क्लियर हो गई होगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोकेशन के बाद में थोड़े फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शन क्या परफॉर्म करता है पॉन्स वेरोली। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके भी, थोड़े थोड़े करके जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन मैंने थोड़ा डिस्कस किया है, उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉन्स कंटेन न्यूक्लियाई, पॉन्स के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के नर्व फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, गुच्छे होते हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है, न्यूक्लियाई बोल दिया मैंने, लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स दैट रिले सिग्नल्स, जो कि सिग्नल को देंगी, आगे ट्रांसमिट करेंगी, कहां से, फ्रॉम फोर ब्रेन, यहां से फोर ब्रेन से सिग्नल जाएंगे, कहां जाएंगे, सेरिबेलम में। इसका मतलब ये तो मीडिएटर हो गया,
ये क्या हो गया मीडिएटर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये मार्कर मुझे इस मेरा ये वाला लेफ्ट हैंड है, मेरे लेफ्ट हैंड में किसी ने मुझे मार्कर दिया, ऐसे दिया और मैंने इस मार्कर को लेकर के किसी थर्ड पर्सन को पकड़ा दिया, मैं बीच में हूं, आई एम द मीडिएटर राइट नाउ, मैं मीडिएटर बना हूं। यहां पर कोई बंदा एक्स खड़ा हुआ है, यहां पर कोई बंदा वाई खड़ा हुआ है, उसने किसी भी चीज को मुझे दिया, मैंने उसको लिया और मैंने उसको ऐसे ट्रांसमिट दे दिया। मतलब मैं एक मध्यम व्यक्ति का काम कर रहा हूं, मैं बीच का काम कर रहा हूं। तो इसमें भी क्या होता है, जो फोर ब्रेन है, जो ये आपका पूरा पोर्शन है, फोर ब्रेन के जो मैसेज जाएंगे, जो सिग्नल जाएंगे, वो कहां जाएंगे, सेरिबेलम तक जाने हैं। तो फोर ब्रेन के, देखो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये फोर ब्रेन के मैसेज जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सेरिबेलम में, किससे होते हुए जा रहे हैं, नजर आ रहा है किससे होते हुए जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पॉन्स वेरोली से होते हुए, ठीक है। क्या लिखा है, पॉन्स कंटेन न्यूक्लियाई, पॉन्स में वो न्यूक्लियाई होते हैं, वो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो कि ऊपर से इंफॉर्मेशन लेंगे, ऊपर मतलब फोर ब्रेन से, सेरिब्रम वाले पार्ट से, तो वो उस पार्ट से किसी भी एक्शन को, किसी सिग्नल को, किसी मैसेज को लेंगे और उसको किसको सप्लाई करेंगे, उसको सेरिब्रम को सप्लाई करेंगे। तो जो सिग्नल जाएंगे वो कौन कौन से, किस किस बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज के, या बॉडी के कौन कौन से एक्शन के सिग्नल हो सकते हैं, वो मैंने थोड़े पॉइंट किए हैं, आप थोड़ा देखने का प्रयास करो। पहला स्लीप, नींद आने वाला, जो नींद का सिग्नल आएगा वो कहां से आएगा, फोर ब्रेन से आएगा, नीचे जाएगा, तो नींद में भी किसका रोल है, पॉन्स का। सेकंड रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन। स्वेलोविंग, किसी चीज को निगलना, चबाना, आगे कहो च्यूइंग, चबाना। टेस्ट, किसी टेस्ट को पहचानना, ये खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, कैसा है। आईज की मूवमेंट, पहले पढ़ा था वहां भी आईज की मूवमेंट में रोल था किसका, सेरिबेलम का, और आईज की मूवमेंट में पॉन्स वेरोली का भी रोल है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस और है, मैं वैसे बता देता हूं, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन दैट मींस खुशी का भाव है तो चेहरे के जो भाव है वो अलग होंगे, गम है तो अलग होंगे, इस तरीके से, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। हमने चर्चा की कि पॉन्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, हमने जो न्यूक्लियर जो पास आउट हो रहे थे वहाँ से, जो पास थ्रू हो रहे थे, उनमें फेशियल एक्सप्रेशन का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था कि चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें भी, उसको बयां करने में, ठीक है, उसमें भी पॉन्स का एक इम्पोर्टेंट काम है। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉन्स के अंदर, विद इन पॉन्स ए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक स्पेशल टाइप का सेंटर पाया जाता है जो कि कंट्रोल करता है इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना फिर सांस को छोड़ना है, अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उसमें इसका रोल है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो वो कहाँ पाया जाता है, वो पॉन्स के अंदर पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड फंक्शंस ऑफ द हिंड ब्रेन सेकेंड पार्ट, दैट इज पॉन्स वेरोली। अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पोर्शन पे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अब। सो हिंड ब्रेन का ये लास्ट पोर्शन है जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसमें ब्रीफली जो डिस्कस करना है बेसिकली, दैट इज मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा डिस्कस करेंगे और इसकी लोकेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकेट कहाँ पे होता है। आफ्टर दैट इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेसिक इसके फंक्शन होते हैं, इसका बहुत ही अहम योगदान होता है, इसका रोल होता है। सो मेडुला ओब्लोंगेटा हेडिंग यहाँ डली हुई है, इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन का सबसे नीचे का पोर्शन होता है, यू कहें कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द मेडुला ओब्लोंगेटा। सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है मेडुला ओब्लोंगेटा होता है ब्रेन का, हिंड ब्रेन का। और नॉर्मली पूरे ब्रेन की बात करें, सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। इज दैट क्लियर? सो लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन के बेसल पार्ट में, बिल्कुल नीचे लोअर मोस्ट पार्ट में, क्योंकि उसके बाद में इसकी कंटिन्यूस हम स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेपरेट पोर्शन, यू नो अबाउट दैट। सो बेसिकली वी कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वन पार्ट दैट इज द ब्रेन एंड सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन इज बेसिकली हैविंग डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर पोर्शन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड अनदर पोर्शन, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड।
अब हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे लास्ट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं किसका, ब्रेन का। इसके बाद में ब्रेन जो है, ब्रेन के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, हम आगे जो पोर्शन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फिर वो कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहाँ हम बात करें, बेस सबसे नीचे होता है, इस वाले डायग्राम को आप देखो, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर सारा पूरा ब्रेन है, ये सबसे पोर्शन जो नीचे है, दिस इज द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दैट इज द मेडुला ऑब्लोगेटा, हिंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोगेटा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और यू कैन से दैट दिस इज द लोअर मोस्ट, और यू कैन से दैट दिस इज द बेस ऑफ द ब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके लोअर मोस्ट पार्ट में दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है कंटिन्यूसली जो जा रही है ये स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो हम यूं कहें कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो पोर्शन है दैट इज द मेडुला ऑब्लोगेटा, इसके ऊपर ये वाला मेडुला ऑब्लोगेटा। तो हमने कहा लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, कि ये ब्रेन के बेसल पार्ट में है, सबसे नीचे वाले पोर्शन में होता है। वेयर ब्रेन स्टेम कनेक्ट द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा ब्रेन का पोर्शन है, ये नीचे जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, नीचे जो है ये वाला पोर्शन किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कौन कर रहा है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कौन कर रहा है पूरे ब्रेन से, कौन कनेक्ट कर रहा है, ये मेडुला ऑब्लोगेटा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन दैट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेयर ब्रेन स्टेम कनेक्ट द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, जहां पर ब्रेन नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ये लोकेशन की बात हुई, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अब फंक्शन की बात करें कि इसके काम क्या होते हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेजर फंक्शन जो हैं ये परफॉर्म करती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो फंक्शन में लिखा हुआ है इट पासेस द मैसेज, ये मैसेज पास करती है। कौन सा मैसेज पास करेगी, कैसे, क्या होगा, देखो, पासेस मैसेज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं। तो कौन पहुंचा रहे हैं इनको, बीच का मीडिएटर काम कर रहा है, बताया था मैंने पहले भी, तो ये मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसके और बेसिक फंक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यहां बात समझने वाला पोर्शन आता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इस ऑटोनोमिक वर्ड को जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं ये कौन सा वर्ड है, आप ऑटोनॉमिक को ऑटोनॉमिक मत पढ़िए, आप एक वर्ड याद रखिए ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से हो जाए, हमारा कंट्रोल नहीं, जो खुद हो, खुद ब खुद हो रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट हो रही है, हार्ट रेट अपने कंट्रोल में नहीं है, हमने खाना खाया, फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, खाने का पाचन हो रहा है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब ऑटोमेटिकली जो परफॉर्म हो रहे हैं तो वो सारे फंक्शन होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करवा रहा है, या यूं कहें कि मेडुला ऑब्लोगेटा ऑटोनॉमिकली काम कर रहा है, किस किस पे, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, दिल बार बार धड़कता है, या एक मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है या कम धड़क रहा है ज़्यादा, तो हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। सेकंड थिंग, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, हमने पढ़ा था पॉन्स में कि पॉन्स के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन था, एक सेंटर था, उसको हमने नाम दिया था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दैट द सेंटर विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन, विच कंट्रोल द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन, विच कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर्स एंड द एक्सहेलेशन ऑफ द एयर फ्रॉम द बॉडी। सो हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, बेसिक फंक्शन हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड, रेस्पिरेशन, सांस लेने वाली क्रिया विधि को कंट्रोल कर रहा है। वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, वो चौड़ जाती हैं या वो कॉन्टैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन मतलब कि ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर होता है, ठीक है, उसके उसमें चेंजेस होना। नेक्स्ट थिंग, डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि भाई ब्लड वेसल को, कि ब्लड वेसल क्या हो, ब्लड वेसल डायलेट हो जा, खाना पच जा, हमारे खाने से थोड़ी ना पचेगा, हमारे कहने से थोड़ी ना पचेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है वो। हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, दिस ऑल द एक्टिविटीज विच ऑटोनॉमिकली कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोगेटा, वेरी बेसिक फंक्शन।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस नेक्स्ट थिंग द स्पाइनल द मेडुला ओब्लॉंगेटा हैविंग सम स्पेसिफिक रीजंस, उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, स्पेसिफिक कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं, उन सेंटर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, वो भी ऑटोनॉमिकली सेंटर होते हैं, किस किस के लिए सेंटर होते हैं गौर कीजिएगा जरा। एक सेंटर होता है वॉमिटिंग के लिए, उल्टी आ रही, जब उल्टी आ रही है तो मेडुला ओब्लॉंगेटा की वजह से, यानी मेडुला ओब्लॉंगेटा के अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा रीजन है जहां से, जिसके ट्रिगर होने से उल्टियां आती हैं। तो मेडुला ओब्लॉंगेटा एक चीज हुई। मेडुला ओब्लॉंगेटा के बाद में हम बात करें, वॉमिटिंग हुई नंबर वन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, छींक आती है, ठीक है, आप भीड़ में हो कहीं, आप छींक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोनॉमिकली कंट्रोल हो रही है, ठीक है, वॉमिट को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, एक हद तक कंट्रोल कर पाओगे, हो सकता है एक हद तक, लेकिन उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद में यू कांट कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कफिंग, खांसी आना, खांसी जब उठती है तो देखा है आपने कई बार आप थोड़ा नर्वस फील करते हो जब भीड़ भाड़ में खांसी उठती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद में स्वेलोविंग, निगलना किसी चीज को, इन सभी के सेंटर भी कहां पाए जाते हैं, वो भी कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, किस में रेगुलेशन हो रहा है, इसका रेगुलेशन भी मेडुला ओब्लॉंगेटा के द्वारा होता है, उल्टियों का आना, छींक आना, खांसी उठना, निगलना किसी चीज को, ठीक है, सटकना बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ऐसे कंट्रोल होती हैं, ये जो बेसिक फंक्शन थे किसके, मेडुला ओब्लॉंगेटा के। अब आगे की क्लासों में आप इनमें थोड़ा और डीप भी पढ़ो, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर था उसका नाम था एक स्पेसिफिक, उसका नाम था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दैट इज प्रेजेंट इन द पॉन्स वेरुली, दैट कंट्रोल्स द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, दैट अल्टीमेटली दैट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस फ्रॉम बॉडी, बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम इनहेलेशन ऑक्सीजन एक्सहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज ने बनाई है बॉडी के अंदर उसको हम बाहर निकालते हैं, तो उसको जो कंट्रोल जो प्रोसेस है वो सारा यहाँ हो रहा है। ऐसे ही वॉमिटिंग का मैं थोड़ा बता देता हूँ, वॉमिटिंग के केस में एक CTZ नाम का एक होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इस CTZ जब ट्रिगर होता है, सपोज करो हमने किसी खराब स्मेल को हमने सूंघ लिया या किसी खराब चीज को हमने देख लिया जिससे हमें घिन आती है, हमें वो चीज पसंद नहीं है, ठीक है, तो ऐसी जो अनलाइक चीजें होती हैं, जो अनप्लीजेंट चीजें, अगर हम उसकी स्मेल हम लिए और हमने अनफॉर्चुनेटली उसको कंज्यूम कर लिया है या कहीं से हम निकल करके जा रहे हैं, हमने कोई ऐसी चीज देख ली जो हमें पसंद नहीं है, तो उन सभी चीजों से क्या होती है, उल्टियां होती हैं, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, जो स्टमक कंटेंट होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यही तो होता है वॉमिटिंग में। तो ऐसे ही कुछ जोन होते हैं, ये जोन कहाँ है, ये अपने मेडुला ओब्लॉंगेटा में, तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट ब्रेन कंप्लीट होता है, हमने कंप्लीट ब्रेन की स्टडी की है, फोर ब्रेन की, मिड ब्रेन की, हिंड ब्रेन की। फोर ब्रेन में हमने नाम दिया था डाइएन्सेफेलॉन, मिड ब्रेन को हमने बोला था मेसेन्सेफेलॉन और हिंड ब्रेन को हमने बोला था रोम्बेन्सेफेलॉन, ये इनके सिनोनिम है, दूसरे नामों से इनको ऐसे जाना जाता है। इसके अलावा हमने बात की कि उनके हमने पार्ट्स की स्टडी की, फोर ब्रेन के अंदर हमने थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम की बात की थी, उसके बाद हमने मिड ब्रेन में भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स की बात की थी, हिंड ब्रेन में हमने तीन पार्ट स्टडी किए हैं भी आपके सामने, हमने स्टडी किया सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा पॉन्स वेरुली के बारे में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पोर्शन हमने अभी कंप्लीट किया है मेडुला ओब्लॉंगेटा के बारे में। तो यहाँ पर अपना ब्रेन जो पार्ट है पूरा कंप्लीट होता है, हमने लगभग 3-4 वीडियोस में इसको कंप्लीट किया है ब्रेन को। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड है ये, ठीक है, यहाँ नर्व्स जनरेट होती हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, नर्व्स फैली हुई होती हैं जिसकी वजह से हमें सेंसेशन किसी चीज को फील करते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं, वो सब एक्टिविटीज हम आगे इसमें पढ़ेंगे पूरा, ओके।